मोटरवे केस का 10वां रोज पुलिस ताहाल मरकजी मुलजम की गिरफ्तारी में नाकाम। आबिद मलहे की तलाश के लिए नई हिकमत अमली तरतीब, दरबारों आस्थानों और तकियों पर फोकस, 4 लाख एहलकारों पर मुश्तमिल टीमें। सहवन शरीफ के लिए रवाना कर दी गई। रात गए कसूर ललियानी में मजार पर होने वाला ऑपरेशन बेनतीजा साबित हुआ। ज्यादती केस का मरकजी मुलजम एक बार फिर पुलिस और सीटीडी की टीमों को चकमा देकर फरार। जिरे तफ्तीश आबिद मलहे की अहलिया से भी ताहा कोई सुराग न मिल सका। बयान में बुशरा ने इंकशाफ किया कि वाकई के बाद से परेशान आबिद मलहे शिनाख्त सामने आने पर घर से फरार हो गया था। रायमंड डकैती केस की तफ्तीश में अहम पेशरफ। पुलिस ने वारदात के दौरान खातून को इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनाने वाले 2 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए। वाकई में मुलविस मुलजिमान के खातून के रिश्तेदार होने का इंकशाफ। जियो फेंसिंग, सीडी ऑर्डर्स और जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से मुलजिमान की गिरफ्तारी मुमकिन हो सकी। DNA टेस्ट के लिए सैंपल ले लिए गए। बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी? एक ना एक दिन छुरी तले तो आएगी। सोशल मीडिया पर लड़की को धमकियां देने वाला बिलाखिर एक साल बाद गिरफ्तार। पुलिस ने मुलजम के वालिद को भी हिरासत में ले लिया। गिरफ्तार मुलजम अब शाम एक अरसे से मुतासरा लड़की को हिरासत करने में मुलव्वस था। हुकूमती हिदायत के बाद एक साल का ब्लड दर्ज मुकदमे पर कार्रवाई की गई। वज़ीर आज़म कह गए थे कोताही बर्दाश्त नहीं करूंगा। सोशल मीडिया पर लड़की को हरासा करने वाले शैतान सिफ्त को गिरफ्तार करने पर लाहौर पुलिस को खिराज तहसीन। वज़ीर इत्तला पंजाब फयाज़ुल हसन चौहान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले CCPO की क़यादत में तब्दीली नजर आना शुरू हो गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुतासरा लड़की के वालिद का भी इजहार तशक्कुर। कहा 15 माह से FIA के चक्कर पे चक्कर लगा रहा हूँ, कहीं सुनवाई नहीं हुई। आटा बहरान संगीन। चक्की का आटा 2 रुपए किलो मजीद महंगा। 1 किलो कीमत 76 रुपए किलो हो गई। आटा चक्की डीलर्स एसोसिएशन ने गल्ला मंडियों में 2400 रुपए मन गंदम की दस्तियाबी को कीमत में इजाफे की वजह करार दे दिया। सस्ते आटे के लिए हुकूमत से सस्ती गंदम की फरामी का मुतालबा। यूटिलिटी स्टोर्स पर भी आटे की किल्लत। खरीदारी के लिए आने वाले मायूस वापस। बिजली चोरी के पुष्पनाहों की बड़ी कार्रवाई। करोड़ों की चोरी छुपाने के लिए रिकॉर्ड गायब करने का इंकशाफ। मैक्लोड रोड दफ्तर से लेबोरेटरी रिपोर्ट से कबल पकड़े गए 816 मीटर चोरी कर लिए गए। लेस्को ने मामले की तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील दे दी। कोरोना के खदशात मौजूद होने के बावजूद मुख्तस फंड्स की बंदर बांट शुरू। कोरोना वार के लिए मुख्तस 10 अरब के फंड्स में से 50 करोड़ नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोजेक्ट को मुंतकिल। महकमा खजाना ने फंड्स मुंतकली की तस्दीक कर दी। फंड्स कम आमदनी वाले शहरियों के लिए घरों की तामीर पर खर्च होंगे। नया पाकिस्तान अपार्टमेंट मंसूबा आकाश में ही कानूनी मुश्किलों का शिकार। अपार्टमेंट्स प्रोजेक्ट LDA सिटी में शामिल करने पर डायरेक्टोरेट को तहफ्फुज़ात। मंसूबे को LDA सिटी में शामिल करने और अलॉटमेंट से मुताल्लिक कानूनी निकाह पर सवालात उठा दिए गए। खूबसूरत लाहौर के लिए खूबसूरत स्लोगन मेरा सोना लाहौर। कमिश्नर जुल्फिकार अहमद घुमन का 3D Vision। शहरियों को हादसात से महफूज रखने के लिए 20 अहम शाहराहों पर 3D ज़ेब्रा क्रॉसिंग मुतारफ कराने का मंसूबा। जदीद लेन मार्किंग का मॉल रोड से आगाज। शादी हॉल्स मालिकान के लिए 0 टैक्स की तजवीज मुस्तरद। महकमा खजाना का टैक्सेस में मजीद छूट से इनकार। काबीना कमेटी बराए फाइनेंस के इजलास में 5% महसूल वसूली बरकरार रखने का फैसला। लाहौर बोर्ड ने सोशल मीडिया पर मैट्रिक रिजल्ट से मुतल्लिक खबर गलत कराते थी। चेयरमैन बोर्ड प्रोफेसर यास हाशमी के मुताबिक ताहाल मैट्रिक के नतज की हतमी तारीख का ऐलान नहीं किया गया। गर्दिश करने वाली तमाम खबरें बेबुनियाद हैं। बोर्ड का रवान साल मैट्रिक के तलबा को पोजीशंस न देने का फैसला। एजाजी तकरीब भी मंसूर। हाईकोर्ट का पंजाब भर में पॉलीथीन बैग्स का इस्तेमाल बंद करने का हुक्म। जस्टिस शाहिद करीम का समाप्त के दौरान महकमे माहौलियात के हुक्काम को पाबंदी पर अमल दरामद कराने का हुक्म। सरकारी अफसरान के खिलाफ तौहीन अदालत की मुख्तलिफ दरख्वास्तों पर समाती। पुलिस मुलाजिम की दरख्वास्त पर IG इनाम गनी को नोटिस जारी, जवाब तलब। दरख्वास्त गुजार ने मौके पर अख्तियार किया है कि 4 साल बाद बगैर वजह बर्खास्त करने पर अदालत से रुजू किया।
हाईकोर्ट ने आईजी को फैसले का हुक्म दिया मगर ताहाल अमल दरामद नहीं हुआ। रेलवे मुलाजिम की दरख्वास्त पर जनरल मैनेजर रेलवे के खिलाफ भी तौहीन अदालत दरख्वास्त में समाप्त, दोस्त मोहम्मद दगारी को नोटिस जारी करके जवाब तलब। अदालती नाफरमानी पर सेक्रेटरी बलदियात जावेद अहमद काजी को भी नोटिस। ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ तौहीन अदालत की 3000 से रेलती वाद दरख्वास्तें, हाईकोर्ट में चीफ सेक्रेटरी समेत 15 लाख सराह के खिलाफ समाअतें जारी। चीफ जस्टिस हाईकोर्ट ने अदालती अहकाम नजरअंदाज करने वाले अफसरान की फहरिस्त तलब कर ली। चीफ सेक्रेटरी एडवोकेट जनरल ऑफिस से दर्जा बंदी की बुनियाद पर रिपोर्ट तलब। शहबाज शरीफ फैमिली के असासे मंजूमद करने के खिलाफ दरख्वास्त, एहतसाब अदालत ने वकला ने बहस के लिए वक्त मांग लिया। जज जवादुल हसन ने समाअत 8 अक्टूबर तक के लिए मुलतवी कर दी। एहतसाब अदालत ने आशियाना केस की समाअत आहद चीमा पेश, शहबाज शरीफ और फवाद हसन फवाद की हासिल मुआफी की दरख्वास्त, वकील काजी मिसबा एडवोकेट नैब के गवाह शफीक एजाज पर जिरह। रेस्क्यू 1122 अफसरान की गफलत और बेजाबतियों का शिकार, 2017 में फंड्स मुकर्रर होने के बावजूद 325 एम्बुलेंसेज की खरीदारी न की जा सकी, ताखीर कौमी खजाने के लिए घाटे का सौदा साबित, 25 लाख एम्बुलेंस आज 75 लाख की हो गई। आयशा हमीद की करप्शन बेनकाब करने पर हिरासानी का शिकार हुई, मेरे खिलाफ सोशल मीडिया पर जाली खबरें भी नशर की जा रही हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी इरम शहजादी भड़क उठी, डीजी मौसम इकबाल और साबिक डीजी जफर इकबाल पर संगीन इल्जाम आयद कर दिए। पंजाब हुकूमत के जनूबी सेक्रेटेरिएट में तायुनात मुलाजमीन के लिए अच्छी खबर, काबीना कमेटी ने मुलाजमीन के लिए डबल तनख्वाहों का पैकेज मंजूर कर लिया। एग्जेक्टिव अलाउंस का इस्तेहकाक रखने वाले अफसरान को बुनियादी तनख्वाहों का 75% अलाउंस की मद में मिलेगा। कमेटी ने मुलाजमीन के हाउस रेंट के लिए 84 मिलियन के फंड भी मुख्तस कर दिए। मरीजों के हकूक का आलमी दिन, वज़ीरे सेहत डॉक्टर यासमीन राशिद का मसीहाओं को मसीहाई से पहले दर्द मसीहाई के एहसास की तलकीन, फातिमा जिनाह मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर्स और तबी अमले से खिताब में कहा, मरीज को पहला नुकसान आपकी जबान से होता है, लाजिम है कि इसकी बात गौर से सुनी जाए, ऐसा नहीं होता तो समझे आप नाकाम है। वज़ीरे सेहत ने कहा, इलाज के वक्त एहतियाती तदाबीर मरीज और डॉक्टर दोनों के लिए जरूरी है। डेप्यूटी कमिश्नर दानिश अफजाल की ज़ेर सदारत इजलास, इंसदादी डेंगी मुहिम के हवाले से अहम उमूर पर तबादला ख्याल, डेंगी इंडोर आउटडोर और डेंगी सर्विलेंस पर ब्रीफिंग की गई। एडिशनल आईजी जनूबी पंजाब की तैनाती के लिए समरी, वज़ीर आला को इसाल, आईजी पंजाब ने एडिशनल आईजी कैप्टन रिटायर्ड सफर इकबाल, एडिशनल आईजी गुलाम रसूल और एडिशनल आईजी अजहर हमीद खोकर के नाम नए एडिशनल आईजी जनूबी के लिए इसाल किए हैं। वज़ीर मुमलिकत सरताज गुल की लाहौर कॉलेज फॉर विमेन यूनिवर्सिटी आमद, वाइस चांसलर डॉक्टर बुशरा मिर्जा और असातिज़ा कराम की जानिब से वज़ीर मुमलिकत का इस्तकबाल, काला शाकाकू कैंपस में शजरकारी मुहिम के इफ्तिताह से खिताब में आलूगी से बचाव के लिए ग्रीन एंड क्लीन माहौल के क़याम पर जोर दिया। काबीना कमेटी बराए कानून का 34वां इजलास, सूबाई वज़ीर कानून राजा बिशारत की ज़ेर सदारत पावर जनरेशन पॉलिसी 2015 की मंजूरी, इजलास में पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के मुलाजमीन को मुस्तकिल करने और जंगली हयात से मुतल्लिक कवानीन की खिलाफवर्जी पर जुर्माना और कैद की सजाओं की तजवीज़, इजलास में ब्रीडिंग फार्म की रजिस्ट्रेशन और तजवीजी फीस बढ़ाने की भी तजवीज़। मुस्लिम लीग नून शोबाए खवातीन के ज़ेर एहतमाम दिल्ली दरवाजे पर दुआया तकरीब, अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआओं का एहतमाम, एमपीए सुंबल मालिक समेत दीगर का मुश्किल हालात में भी क़यादत का साथ निभाने का। कौमी एयरलाइन का अहम ऐलान, शेरख्वार बच्चों के लिए मुल्की परवासों पर सफरी सहूलत मुफ्त कर दी, वालिदैन 2 साल तक के बच्चों को हवाई सफर पर बगैर किराया ले जा सकेंगे, वालिदैन के टिकट पर मुसाफिर बच्चे का नाम दर्ज कराना लाजिम करार। तफरीही मंसूबा, तिथि घर 1 साल में ही बंद, नाकिस मटेरियल इस्तेमाल करने पर
बादशाह हवा में उड़ गई। खर्च होने वाले 50 लाख रुपए बर्बाद हो गए। मंसूबे में करप्शन की तहकीकात का मुतालिबा। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मियां मुश्तबा शुजाउर रहमान की आज सालगिरह। सियासी रहनुमाओं, कारकुनान और अजीज वकारी की जानिब से मुबारकबाद का सिलसिला जारी। नेक तमन्नाओं का इजहार। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उमर अता बंदियाल की आज सालगिरह। साथ ही जजेस वकला और अजीज वकारी की जानिब से मुबारकबाद के पैगाम। नेक ख्वाहिशात का इजहार। असिस्टेंट कमिश्नर मॉडल टाउन जिशान नसरुल्ला रांझा की आज सालगिरह। दो सहबाब अहल खाना और अजीज वकारी की जानिब से मुबारकबाद के पैगाम। और कौमी खवातीन क्रिकेट टीम की सलाहियतों को जिला बख्शने के लिए कोचिंग का अहमी मयार पैमाना मुकर्रर। पीसीबी को खवातीन टीम की जदीद खतूत पर तरबियत के लिए स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच की तलाश। तकर्रुबी के ख्वाहिशमंद और अहलियत पर पूरा उतरने वाले उम्मीदवार 16 अक्टूबर तक दरख्वास्त दे सकेंगे।